बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं एक स्टीम रोस्ट जो चिकन होता है उसकी रेसिपी दे रही हूँ। ये लेग पीस है और ये लजीज तरीन चिकन, स्टीम चिकन है। इसका नाम है, मैंने इसका नाम रखा है लजीज तरीन क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। इसके लिए आधा किलो मैंने चिकन लिए लेग पीस, और इसमें मैंने आधी चमची सुरख मिर्च, एक चमची नमक, चौथाई चमची हल्दी और एक चमची क्रश मिर्च, इसमें एक चमची आधी चमची अदरक का पाउडर, आधी चमची लहसुन का पाउडर, चौथाई चमची अजवाइन, एक चमची तिक्का मसाला, ये मैंने खुद बनाया हुआ, ये मेरा अपना तिक्का मसाला, एक चमची तिक्का मसाला, एक चमची जो है ये सब्ज मिर्च का पेस्ट है, और ये एक चमची जो है वो तकरीबन एक चमची फुल नहीं है, कम है, और ये आधी से ज़्यादा थोड़ी सी चमची है ये साबुत, ये गर्म मसाला है, और ये लेमन जूस है, ये सिरका है, एक डेढ़ चमची ले लें बस फुल, या अगर आपने टेबल स्पून भी लेना है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भर के ना लें, नॉर्मल लें क्योंकि उसका फिर वो बहुत तेज़ हो जाता है। दो चमचे दही है और एक चमचा तेल है। अब मैं आपको बताती हूँ ये इसको कैसे लगाना है। ये देखें, पहले इसके ऊपर मैंने कट लगाने हैं इसके ऊपर, ये देखें हाथ धो लें सबसे पहले, मैंने हाथ धोए हुए हैं और मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ऐसे गहरे गहरे ऐसे कट लगाएं, ऐसे एक पे मैंने कट लगा लिया, ये अब दूसरे को कट लगा रही हूँ, ऐसे गहरे कट लगाने, ये देखें ये ऐसे इसको यहाँ से करना है, और फिर यहाँ से भी आपने इसमें एक छुरी डाल के इसको होल सा कर लेना है, ये देखें ये जो आपको थोड़ी सी इसके साथ नजर आ रही है चर्बी वगैरह ये लगी रहने दें, क्योंकि अगर ये आप इसको भी उतार देंगे ये तो जब इसको हमने रोस्ट करना है तो ये खत्म हो जानी है, अगर आप इसको भी उतार देंगे बहुत खुश्क बनेगी, ये लाजमी साथ रहने दें, इस बात का ख्याल रखें। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर मसाला कैसे लगाना है। सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग ये सिरका डाल लेते हैं, ये अदरक लहसुन का पाउडर, ये अजवाइन है, इसको हाथों में जरा मसल के डालते हैं तो अच्छा है। नमक मिर्च आप अपने मुताबिक रख सकती हैं, कुछ बच्चे नहीं ज़्यादा मिर्च पसंद करते तो आप उनके मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये तिक्का मसाला है, ये मैंने खुद घर में बनाया, मैं आपको सब मसाले भी बताऊंगी किसी वक्त, और ये सब्ज मिर्च का पेस्ट है इसलिए उधर मिर्चों की एहतियात करनी है दूसरी डालते वक्त, ये देखें ये गर्म मसाला, ये जो है ये तेल है, ये दही है, और ये लेमन जूस। अब इसको हाथों से अच्छी तरह उसके जो जो कट लगाए हैं उनमें अच्छी तरह इसको भरें सारे मसाले को, देखें एक पे मैंने मसाला लगा लिया, ये देखें अब ये मैं दूसरी को मुकम्मल कर रही हूँ, ये देखें इसकी जो जो हमने कट लगाए ना उसमें ऐसे उंगली के साथ अंदर ले जाके लगाएं ताकि वो अच्छी तरह गोश्त में रख जाए, ये देखें, और इसको लगा के कम अज कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें, ये देखें ये अब लग गया। अब इसको हम मैं 3-4 घंटे के लिए इसको रखने लगी हूँ और फिर मैं उसको आपको बाद में बताती हूँ इसको रोस्ट कैसे करना है। ये देखें मैंने 3 घंटे इसको लगा के रखा है, ये अच्छी तरह लगी, अगर आप रात को भी लगा के फ्रिज में रख दें तो अगले दिन बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बल्कि ज़्यादा अच्छा मसाला अंदर चला जाएगा, ज़्यादा कम से कम इसको 3 घंटे का इसको टाइम दें। उसके बाद ये है कि इसके लिए मक्खन चाहिए और ये लहसुन है।
अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक चमची बीच में तेल डाला है, क्योंकि लहसुन अगर हम डायरेक्ट मक्खन को डाल दें गर्म करें तो वो जल जाता है मक्खन। मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर मैंने लहसुन डाल के तो करना है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका देख चिकन ढक्कन इधर रखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें लहसुन जैसे ही हल्का ब्राउन होने लगेगा तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने ये डाल देना मक्खन एक चम्मच भर के। देखिए अभी हो रहा है, ये बस हो चला। जैसे ये ब्राउन होने लगता है, ब्राउन होता है ना, तो मैं इसमें देखें ये तीन तुरियां लहसुन की थी। अगर आपने ज्यादा डालनी है, आपको ज्यादा छीले थे, आप ज्यादा डाल लें। अब बिल्कुल वो हल्के हल्के ब्राउन होने करीब पहुंच गई है। उसके बाद में आपको इसमें काफी से मक्खन डालना है, इसको जलाना नहीं है, हल्की जब हो जाए ना, देखें हल्की हल्की हो गई है ना, ये इसको जब हिलाएंगे तो हो चुकी है हल्की हल्की। ये बस इसकी देखें खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, बहुत ही इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। अब देखें मैं इसमें डालती हूँ ये एक चम्मच भर के मक्खन का। ये साथ ही इसमें हमने चिकन रख देना, और ये ढक्कन दे देना, और आपको एक दफा बिल्कुल हल्का कर देना, बिल्कुल हल्का। दो मिनट ना कोई से ढक्कन रख के इसको पड़ा रहने दो। ये इस तरह से हो गया कुछ, इसको उल्टा देना, और आपने फिर इसको हल्की आंच के ना इसको 10 मिनट तक इसको पकने दें, या 15 मिनट तक। ये देखो हो गया ना इस तरह से, आपको फिर मैं बताऊंगी इसको। और हमने इसको हल्की आंच पे फिर बहुत ज़्यादा हल्की नहीं, थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो तो दरमियानी से कम थोड़ी सी हो, क्योंकि हमने इसको रख के तकरीबन ये 15 मिनट